गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं रेस्टिंग ऑफ हेक्सागोनल प्लेन ऑन HP एंड VP, मगर आपको उसके पहले स्टडी करना पड़ेगा कि मुझे हेक्सागोनल प्लेन कैसे ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि पेपर में उनको हेक्सागोन कैसे ड्रॉ करना है वही नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको स्टडी करना है हाउ टू ड्रॉ हेक्सागोन ऑन द पेपर। हेक्सागोन को अगर ड्रॉ करना है तो अगर हम हेक्सागोन को माउंटिंग करेंगे साइड के ऊपर, ये मेरा है साइड, ठीक है, हमने इसको पकड़ा हुआ है 30 mm का, तो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे हेक्सागोन ऑफ साइड 30 mm का। ठीक है, हेक्सागोन ऑफ साइड 30 mm का। तो अगर मेरा हेक्सागोन माउंटिंग ऑन द साइड है, ठीक है, हेक्सागोन माउंटिंग ऑन द साइड ऑन HP है, तो मुझे कैसे ड्रॉ करना है। आपने तो स्टडी कर लिया है कि व्हेन वी आर माउंटिंग द प्लेन ऑन द HP, जब हम प्लेन को रखते हैं HP के ऊपर, तो मेरा ट्रू शेप जो हेक्सागोन है वो कहाँ पे आता है, हमेशा मेरा हेक्सागोन ट्रू शेप आएगा XY लाइन के नीचे में, ओके, और मेरा उसका लाइन शेप कहाँ पे आएगा, लाइन व्यू मेरा आएगा XY लाइन के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं मेरा हेक्सागोन रखता हूँ HP प्लेन के ऊपर, तो मुझे हेक्सागोन का ट्रू शेप ड्रॉ करना है XY लाइन के नीचे में। ठीक है, अभी हेक्सागोन के अंदर भी आपको पेपर में पूछते हैं हेक्सागोन रेस्टिंग ऑन द साइड और हेक्सागोन रेस्टिंग ऑन द कॉर्नर। जब भी आप पेपर में ड्रॉ करो कोई भी प्रॉब्लम, हेक्सागोन या पेंटागोन या फिर स्क्वायर, रेस्टिंग ऑन द साइड, तो आपका साइड आना चाहिए जैसे मेरा प्लेन स्टार्टिंग पे, और साइड यहाँ पे आना चाहिए अगर माउंटिंग ऑन द साइड पे। अगर आपका रेस्टिंग ऑन द कॉर्नर है तो आपका कॉर्नर यहाँ पे आना चाहिए साइड। ठीक है, तो रेस्टिंग ऑन द कॉर्नर ऐसा हो जाता है, इसको पकड़ते हैं हम लोग रेस्टिंग, हमने इसको यहाँ पे रखा इस कॉर्नर पे, ठीक है, और रेस्टिंग ऑन द साइड है तो हम ये पकड़ते हैं कि हमने उसको इस पे रखा हुआ ए साइड, इतना क्लियर, ओके। तो अब मैं हेक्सागोन ड्रॉ कर रहा हूं रेस्टिंग ऑन द साइड। फर्स्ट यू ड्रॉ XY लाइन, ठीक है, हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए दो तरीके हैं, हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए दो मेथड्स है। पहला मेथड जो मैं बताऊंगा सिंपल एंगल वाइज, पहले मेथड का नाम है एंगल वाइज। ठीक है, तो जैसे अगर हेक्सागोन है सपोज, कोई भी मेरा हेक्सागोन है, मैं यहां पे देखते हैं ड्रॉ करते, ठीक है, तो मेरा जो हेक्सागोन ड्रॉ कर रहा मुझे इस साइड के ऊपर, हमने साइड लिया है 30 mm का, ठीक है, तो मेरा ये साइड है हेक्सागोन का 30 mm का साइड है। ठीक है, तो अभी मुझे यहां से हेक्सागोन के दो साइड ऐसे ड्रॉ करना है इस साइड, ठीक है, यहां पे। तो आपको क्या करना है, आपको आपका जो प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर जिसमें एंगल्स दिए हुए, ठीक है, प्रोट्रैक्टर्स जिसमें आपके एंगल्स दिए हुए, उसका जो पॉइंटर जो है सेंटर पॉइंटर 90 वाला, आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, रखने यहाँ पे है, ठीक है, और जो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, सपोज यहाँ पे रखना है, ओके, यहाँ पे रखोगे आपको यहाँ से एंगल है 60 का माइनर एंगल, आपके से दो एंगल्स होते हैं, सपोज जैसे यहाँ पे लाइन रखो ना, ये मेरा है माइनर एंगल, ये मेरा है मेजर एंगल, ठीक है, इसका नाम है 60 degree, ये मेरा माइनर एंगल, ये मेरा हो गया 120, ओके, इसका नाम है मेजर एंगल, ये मेरा है माइनर एंगल, ठीक है, इतना क्लियर, मेजर एंगल 120 का, माइनर एंगल 60 का। आपको यहां से एक एंगल पकड़ना है, जिसमें एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, सपोज एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, ठीक है, फिर मैं यहां से यहां पे रखूंगा मेरा प्रोटेक्टर, फिर यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये जो एंगल है मेरा ये वाला स्मॉल, ये मेरा होना चाहिए 60 degree का, 60 का, और ये होना चाहिए 60 का माइनर एंगल, ठीक है। तो आपको पहले साइड ड्रॉ करना 30 mm का, फिर आप यहाँ पे रखोगे प्रोट्रैक्टर पूरा 180 वाला, फिर वहां से 60 छोड़ दो, एक एंगल ड्रॉ करो, ठीक है,
इस वाले पॉइंट पे रखो, यहां से 60 छोड़ दो, एंगल ड्रा करो, आपका साइड कितना है 30 का, ठीक है। देन टेक कंपास, आपको बाद में कंपास लेना है, कंपास में डिस्टेंस लोगे कितना 30 mm का, हाउ मच 30 mm, फिर आपको इस वाले पॉइंट से आपको 30 का एम आर्क लेना है, एक आर्क मारना है आपको, यहां से आपको 30 का एक आर्क मारना है, ठीक है। फिर आपका हो गया ए साइड, आपको उसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर आपको आपको आपका प्रोट्रैक्टर, आपको आपका प्रोट्रैक्टर लाना है इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे लाना है आपस से, वह पॉइंटर रहेगा इस वाले पॉइंट, ठीक है, वह पॉइंटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको यहाँ से आपको एंगल ना आपस कितना 60 का एंगल होगा, कितना ये एंगल कितना होगा 60 का एंगल होगा, ठीक है। आपस से आप रखोगे अपना प्रोट्रैक्टर यहाँ पे, ठीक है, आपका प्रोट्रैक्टर का पॉइंटर रखोगे यहाँ पे, आपको सबको यहाँ से एंगल लेना है ऐसा, कितना होगा ये स्मॉल 60 का होगा, ठीक है। फिर आपको वापस यहाँ से कंपास से कितना मारना है, आपका लेंथ 30 का मारना है यहाँ पे, वो यहाँ से मारना 30 का लेंथ यहाँ पे, आपको ये डार्क करना है, ये डार्क करना है, आपको उसको ज्वाइन करना है, आपका बन गया हेक्सागन, उसका नाम देंगे ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो आपके हेक्सागन में ए मेरा ए बी साइड है, ठीक है, जो ऊपर रखा हुआ है, जैसे इस वाली लाइन पे, जैसे मैंने लाइन ड्रा करके नीचे से ऐसा लिया मैंने, तो ए मेरा जो है छोटा सा, इसका नाम है मेरा माइनर एंगल 60 डिग्री का रहेगा, ये मेरा रहेगा 120 डिग्री का, पूरा मिला क्या हो गया 180 डिग्री का, ठीक है। इसका नाम है मेरा माइनर एंगल, इसका नाम मेरा क्या है मेजर एंगल, ठीक है। तो आपको आपका लेना है माइनर एंगल 60 डिग्री का, यहां से पीछे वाला पकड़ना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, आपको यहाँ पे लेना है 60 का एक लाइन ड्रॉ करना है, आपने कंपास में आर्क लेके यहाँ से 30 मारना है, 30 मारना है, फिर आप वापस जाओगे प्रोटेक्टर लोगे, उसको रखोगे इस पॉइंट पे, वापस वहां से आपको लेना है 60 का एंगल, ये वाला माइनर वाला, यहाँ से आप लोगे लाइन, यहाँ पर रखोगे सी पे, यहाँ से लोगे लाइन, कितना एंगल लोगे 60 डिग्री का माइनर एंगल, वापस लोगे 30 कंपास में, यहाँ से कट करोगे, यहाँ से मारोगे, फिर जॉइन करोगे आर्क। तो आपका बन गया ए बी सी डी ई एफ, आपका बन गया हेक्सागन, सिंपल है। मैं अभी इस मेथड से मेरा ये हेक्सागन यहाँ पे ड्रा करता हूँ। सोचो कि हमने हेक्सागन को रखना है साइड के ऊपर ऑन द एच पी, ठीक है, हेक्सागन रेस्टिंग ऑन द साइड ऑन द एच पी। पहले मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दी, हमें पता है कि मेरा हेक्सागन आने वाला है एक्स वाई के नीचे में, ठीक है, तो मैंने यहाँ से गैप थोड़ा लंबा गैप पकड़ लिया, फिर आपको यहाँ से कितना पकड़ना है 30 का भी लेंथ पकड़ लिया, इसका नाम है मेरा ए बी, ठीक है, सपोज पहले हम नाम लेंगे ए बी सिंपल, ठीक है। फिर आप यहाँ से एंगल लोगे, यहाँ से एंगल लोगे, ठीक है, कितना एंगल रहेगा ए रहेगा हमारा 60 एंगल, 60 का cos 60, आपको 60 का एंगल लिखना नहीं है, आपको पेपर में 60 का एंगल लिखना नहीं, आपको दिमाग रखना, आपके दिमाग में रहेगा कि मैंने कितना एंगल लिया है 60 का, आपको पेपर में उसको शो नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से कितना लोगे 30 का लेंथ मारोगे, ठीक है, आपने 30 का लेंथ मार दिया, ठीक है। फिर आपको इसको डार्क करना है, ये लाइन, ये लाइन, फिर आप अपना रखोगे कंपास यहाँ पे, ओके, फिर आप रखोगे प्रोटेक्टर यहाँ पे, यहाँ से वापस थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस, आपको एक थोड़ा लाइन एक्स्ट्रा करना है, पेंट लाइन, पेंट लाइन, ठीक है। आप रखोगे आपके फिर आपको यहाँ से मारना एंगल ऐसा एक, ऐसा एक 60 का, ये कितना मेरा है 60 का एंगल, मेरा 60 का एंगल, ठीक है। फिर आपको यहाँ से और कितना लोगे 30, 30, फिर आपको लास्ट के दो एंड्स को ज्वाइन करना है, जो कि ऑटोमेटिकली हो, अगर आपने यहाँ से 60 का एंगल मारा भी ऐसा तो भी वर्टिकली नीचे आएगा, ग्रास लोग तो क्यों ऐसा जॉइन ये भी जाएगा, ठीक है। तो आपका बन गया हेक्सागन ए बी सी सी डी ई एफ, इतना क्लियर। फिर आपको इनके प्रोजेक्शन ऊपर लेना है, जैसे मेरा ए पॉइंट से ए पॉइंट, आपको इसको पकड़ना है बी से, बी टू ए ऊपर, फिर सी और एफ ऐसा पकड़ना, बी ए ऊपर, सी एफ ऊपर, डी ई ऊपर, ठीक है।
फिर आपको नाम देना है, जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन टॉप फ्यूरल, इसका नाम मेरा हो गया ए बी सी डी ई एफ, जो कि परफेक्ट हो गया। ये मेरा हो गया, आपके दो पॉइंट आएंगे ए, यहां पे दो पॉइंट आएंगे ए बी, दोनों डैश में। तो मेरा फ्रंट टू का नाम है ए डैश बी डैश, इसका नाम है सी डैश एफ डैश, इसका नाम है ई डैश डी डैश और ई डैश, ठीक है। इसका मेरा नाम है ए डैश बी डैश, इसका मेरा नाम है सी डैश और एफ डैश, इसका नाम है मेरा डी डैश और ई डैश, ठीक है। तो ये मेरा हो गया हेक्सागोनल प्लेन रेस्टिंग ऑन द साइड ऑन द एज, ठीक है। आपको सेम ड्रॉ करना है वर्टिकल प्लेन के लिए। अब हम शुरू करते हैं रेस्टिंग ऑफ हेक्सागोनल प्लेन ऑन वीपी वर्टिकल प्लेन। आपको वापस से करना है माउंटिंग के लिए, हमने एक लाइन ले ली है, इसका हमने एक साइड लिया है 30 mm का, यहाँ से एक हेक्सागोन का 30 mm का लेंथ मार्क करना है, इसका हम नाम दे देंगे सपोज कर ए बी, ठीक है। देन फ्रॉम दिस पॉइंट यू टेक द एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि मेरा रहेगा माइनर एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम एंगल लेंगे 60 डिग्री का, जो कि मेरा रहेगा माइनर एंगल 60 डिग्री का, ठीक है। माइनर एंगल ऑफ 60 डिग्री, मान लेंथ कितनी है 30 की लेंथ है, ठीक है। तो यू मार्क फ्रॉम हियर, टेक कंपास एंड मार्क डिस्टेंस 30 mm फ्रॉम दिस पॉइंट हियर, एंड अगेन यू मार्क 30 mm फ्रॉम हियर ऑन दिस पॉइंट। तो दिस इज माय सेकंड साइड थर्ड साइड, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दो, ऐसे यहाँ से ऐसे बाहर, थोड़ा सा बाहर, अगेन दिस इज माय सी पॉइंट, ओके। यू कीप योर प्रोट्रैक्टर एट दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टेक एंगल ऑफ हाउ मच 60 डिग्री अगेन, 60 डिग्री एंगल, माइनर एंगल 60 डिग्री, अगेन कीप योर प्रोट्रैक्टर एट दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टेक एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री, माइनर एंगल, ओके। नाउ टेक कंपास एंड यू कट एन आर्क ऑफ हाउ मच 30 mm ऑन दिस वन एंड 30 mm ऑन दिस, देन ड्रॉ दिस लाइन, ड्रॉ दिस लाइन एंड देन जॉइन दिस, ओके। और यू कैन टेक एंगल फ्रॉम हियर 60 डिग्री, from here minor angle of 60 degree, तो automatically यहाँ पे वो join हो जाएगा। तो मेरा A B C D E F मैंने नाम दे दिया है, okay। You draw the vertical projections from this point on your X Y line। यहाँ से मेरा मुझे मिल रहा है top view जो कि dark हो जाएगा, okay। ये मेरा front view है, okay। ये मेरा फ्रंट व्यू है, उसका नाम रहेगा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और एफ डैश, क्योंकि मेरा फ्रंट व्यू है। मेरा टॉप व्यू मेरा आ रहा है एक्स वाले एंगल पे, इसका मैं नाम दूंगा ए बी सी और एफ पॉइंट, डी और ई पॉइंट, आपको नाम बराबर देना है। ये मेरा है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और एफ डैश। So, जो नाम है मेरा ए बी और नीचे आएगा मेरा एफ और सी पॉइंट, मेरा नीचे आएगा डी डी और ई पॉइंट, मेरा नीचे ए मेरा होगा, ए मेरा हो गया हेक्सागोनल प्लेन रेस्टिंग ऑन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अभी जो मेरे दो केस ड्रॉ किए हैं, मेरा है हेक्सागोनल प्लेन रेस्टिंग ऑन द एचपी एंड वीपी ऑन द साइड पे रखा है मैंने, ठीक है, resting on the side। अब हम आगे पढ़ेंगे hexagonal plane resting on the HP and VP on the corners, ठीक है, इतना क्लियर।